पब्लिक टीवी आपकी आवाज। धर्मांतरण मामले में विरोध करने पर बजरंग दल ने डीएम कार्यालय घेरते हुए नारेबाजी शुरू कर दी और अपनी मांगों को लेकर विरोध स्वरूप हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुरू कर दिया। दरअसल पिछले एक महीने में मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में चंगी सभाओं के नाम पर ईसाई समाज द्वारा गरीब हिंदुओं को टारगेट करते हुए उनका धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा है, जो बजरंग दल ने आरोप लगाया है। मौके से पकड़कर पुलिस को भी सौंपा गया था। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने 4-5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया, लेकिन पुलिस ने सभी आरोपियों को थाने से ही छोड़ दिया, जिसके बाद बजरंग दल ने मुरादाबाद पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में आज सैकड़ों बजरंग दल कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सबसे पहले एसएसपी ऑफिस पहुंचे, लेकिन एसएसपी मुरादाबाद के द्वारा जब मुलाकात नहीं की गई तो डीएम कार्यालय के गेट पर बैठकर हंगामा कर दिया और नारेबाजी करने लगे। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों से हमसाज हो गई है, क्योंकि 3 दिन पहले सिविल लाइन क्षेत्र में ईसाइयों द्वारा गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने पर कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन उसके बाद भी आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़े पदाधिकारियों द्वारा, प्रांत स्तर के पदाधिकारी द्वारा तय किया गया कि माननीय साहब को ज्ञापन दिया जाएगा और LIU CO के माध्यम से इनका समय भी लिया गया, जो इन्होंने 12 बजे का समय दिया गया था कार्यकर्ताओं को मिलने का। हम ज्ञापन देना गए और यहाँ पर जो हाईवे CO बैठते हैं, जो इनके प्रतिनिधि भी हैं, वो उन्होंने हमसे कहा कि आप 6 जने जाके मिल लीजिए। हम 6 जने मिलने गए, फिर उन्होंने मिलने को मना कर दिया। उसके बाद फिर हम शांतिपूर्वक तरीके से माननीय जिलाधिकारी जी के द्वार के सामने बैठकर हनुमान चालीसा की और हमने आज जो ज्ञापन देना था, हमारा जो मुख्य विषय था इस शहर के अंदर, इस मुरादाबाद महानगर के अंदर धर्म परिवर्तन जैसे विषय सामने आए हैं, जिसमें 3 बड़े बड़े मामले हैं। पहला मामला आज से 1 महीने पहले लवा हरतले में हुआ, तो सारे सबूत थे, हमने तब भी पुलिस को दिया, तो पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज ना करके उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। फिर 14 तारीख का रात्रि लवा 10 बजे का विषय चक्कर की मिलक का था, तो जिसमें सारे साक्ष्य सारे प्रमाण थे और मुकदमा भी जो जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया उसके जो 3 भाइयों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था ईसाई धर्म गुरु पर, पुलिस ने फिर भी कार्रवाई ना करते हुए उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। अब 19 तारीख की रात्रि में जो बहुत गंभीर विषय सामने आया, यानी लाखों की तादाद में रुपये भी पकड़े गए और काफ़ी जो धर्म को तोड़ने वाली सामग्री होती है वो सामग्री बरामद की गई और हनुमान जी के आपत्तिजनक फ़ोटो, भगवान शिव जी के आपत्तिजनक फ़ोटो भी वहाँ बरामद किए गए, इसमें भी मुकदमा दर्ज किया गया। पर लेकिन रात्रि लगभग 1:30 बजे करीब उनको फिर से छोड़ दिया गया। उसमें ये सुनना आया कि पुलिस ने बहुत बड़ी रकम उनसे वसूली है, लाखों की तादाद में रकम वसूली है, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। तो हमारी मांग है कि अगर उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो बजरंग दल एक बहुत बड़ा आंदोलन इस शहर के अंदर करेगा, जिसमें कुछ भी हानि होगी वो सारी जिम्मेदारी शासन या प्रशासन की होगी। SSP मुरादाबाद का मुलाकात न करना क्या कहें उसे? हम भाई, एक अधिकारी जो होता है वो जनता की सेवा करने के लिए होता है। हम जनता हैं, हम अपनी समस्या को लेकर SSP साहब के पास गए, उन्होंने मिलने को बिल्कुल मना कर दिया। ऐसे अधिकारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, हम मानते हैं। और दूसरा विषय जो है, जो जनता की सेवा नहीं कर सकता तो ऐसे अधिकारी को रहने का भी यहाँ पर कोई अधिकार नहीं। हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, हम लिखित रूप में भी भेजेंगे कि ऐसे अधिकारी को जल्द से जल्द हटाया जाए।